नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने अपने इस वाले वीडियो में बताया था कि आप अपने जो फैन होते हैं उनके कैपेसिटर के माध्यम से अपने हाइस को किस प्रकार चला सकते हैं, जो बहुत अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छा काम कर रही थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट भी दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि फैन कैपेसिटर के अलावा और किन कैपेसिटर के माध्यम से आप अपने हाइस को अच्छी तरह से चला सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने विशेष प्रकार के कैपेसिटर भी इस्तेमाल किए हैं, जो कि हमारे ऑडियो कैपेसिटर हैं, जिनका इस्तेमाल प्रायः हमारी जो नेटवर्क किट होती है, जो हमारा पैसिव क्रॉसओवर होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे कैपेसिटर को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे और एक एक करके एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा कैपेसिटर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और आप किसको इस्तेमाल अपने डीजे सेटअप में कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो और बहुत ही जरूरी वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमारा ये हाइस रखा है 450, जो कि अराल्डो कंपनी का है, ठीक है। 450 मॉडल है और हमारे पास 6 प्रकार के कैपेसिटर हैं, ठीक। ये यहाँ पर फैन वाला कैपेसिटर और ये बड़ी सप्लाई में कुछ आपको देखने को मिलता है, और हमारे पास एक ये भी कैपेसिटर, ये भी बड़ी सप्लाई में आपको देखने को मिल जाता है, और हमारे पास ये ऑडियो कैपेसिटर है, जिसको मैं विशेष करके लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क प्लेट में लगा होता है, जो आप देखते हैं ये नेटवर्क प्लेट होती हैं, इनमें लगा होता है, और उसी का ये छोटा है, ठीक है, 2.5 माइक्रोफराड का है, और ये भी हमारा 3.3 माइक्रोफराड का है, ठीक। और एक ही छोटी सप्लाई में जो हमारी अभी इमरजेंसी वगैरह आती हैं उसमें यूज करने के लिए ये हमारा 225 केल्विन का एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसको भी हमने इस्तेमाल में लिया। ये सभी आज के समय में हाइस के लिए कनेक्शन में यूज आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है, उसी को हम अपने डीजे सेटअप में लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस फैन वाले से, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस फैन वालों को टेस्ट करने वाला हूँ और देखेंगे कितना अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको ऐड कर लिया इसके माइनस पोल पर, और इधर माइनस में इसको टच कर दिया, ये लगा दिया, और अब चलिए अब इस पर टेस्टिंग लेते हैं, ठीक। इसके भी एक टांग पर हम ऐसे इसको वायर को लगा लेते हैं और सिंपली इसकी एक पोल्स में इसे ऐड कर देते हैं और इस पर एक, दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फैन वाले से थोड़ा कम अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं अलग करता जाऊंगा जो मेरे यूज हो गए हैं, ठीक। ये मैंने इनको अलग कर दिया, इनको टेस्ट कर लिया। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार का हेल्पफुल कॉन्टेंट आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। चलिए अब इसकी टेस्टिंग लेते हैं, ये कैसा परफॉर्मेंस देगा। इसके भी एक पोल पर इसे हम ऐसे सेट कर लेते हैं और सिंपली से मैं इसे माइनस वाले पोल में ऐसे टच करूंगा और प्लस वाला पोल को इसमें इधर लगा दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला कैपेसिटर जो है सेम इस वाले के जैसा ही चल रहा है, ये दोनों सेम चल रहे हैं। यहां पर अभी विनर सबसे अच्छा हमारा फैन कैपेसिटर ही आ रहा है। आइए अब देखते हैं जो ये स्पेशल कंपनियां अपने नेटवर्क यानी पैसिव क्रॉसओवर में लगाती हैं, क्या ये उनसे अच्छा काम करेंगे या फिर ये वाला सबसे अच्छा काम करेगा, ठीक। सबसे पहले इस बड़े वाले को टेस्ट करते हैं, जो हमारा 3.3 माइक्रोफराड का है, ठीक है। हालांकि मैंने सबको यही वैल्यू में लिया है, अपना 2.5 माइक्रोफराड के ज़्यादातर है, यहाँ पर ये वाला बस हमारा बड़ी वैल्यू का है थोड़ा, ठीक है। चलिए ये हमारा स्पेशल है, इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा काम करेगा। इसके माइनस पोल पर इसके टच कर दिया और अब इसको टेस्ट करते हैं।
दोस्तों अगर देखा जाए कि इन तीनों में से ये अच्छा है या कि नहीं अच्छा है, तो दोस्तों ये वाला अच्छा है, मस्त चल रहा है, जैसा कि कंपनियां इसे नेटवर्क किट में यूज करती हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। ये कैपेसिटर जो हमारा फैन वाला है, समथिंग इसके आसपास ही बजता है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर बहुत अच्छे इन दोनों के अपेक्षा काम कर रहे हैं। ये आपको कोई रजिस्टर्ड जो हमारी आहूजा कंपनी की दुकान होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा ये वाला, और ये तो आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, ठीक है। तो आप इन दोनों को चुन सकते हैं अपने हाइस के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या ये वाले अच्छा काम करते हैं। ये इसकी वैल्यू तो हालांकि 3 माइक्रोफराड थी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 माइक्रोफराड है, लगभग 2.2 UF। दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। तो अभी इसको सेट किया और इसमें देखेंगे, ये प्लस पॉइंट पर टच किया और ये माइनस में लगाया, दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि हमारे दोनों कैपेसिटर, ये हमारे ऑडियो कैपेसिटर हैं और हमारा ये फैन कैपेसिटर है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? मुझे अंतर यह देखने को मिला कि जो हमारा 3.3 MFD का है, इस कैपेसिटर में इसकी आवाज़ में मिड ज़्यादा थी, ठीक है, हाई इसमें मिड ज़्यादा आ रहा था, और जो हमारा ये 2.2 MFD का है इसमें ओनली हाई निकल रही थी, ठीक है। अगर हाइस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा 2.2 MFD का है और हमारा ये जो 3.3 MFD का है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें हाई से केवल हाइस ही निकालनी होती है, ठीक है। तो जो छोटा वाला है ये वैल्यू ज़्यादा अच्छी दे रहा है अपने आवाज़ की क्वालिटी में, ठीक है। इनको अलग करते हैं और अभी हम टेस्ट करते हैं अपना अगला वाला कैपेसिटर, जो कि ये काफ़ी सस्ता है, मार्केट में आसानी से ये भी मिल जाता है। चलिए इससे टेस्ट करते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मैं इसमें बताता हूँ सबसे अच्छा कौन है और सबसे ख़राब कौन सा है, ठीक है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए और कौन सा आपको नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आवाज़ की क्वालिटी में अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि जैसा हाइस बजना चाहिए उस क्वालिटी में देखना चाहते हैं, तो आपको कौन से वाले सेलेक्ट करने हैं। हमारा ये है, ये 2.2 माइक्रोफराड का है, ठीक है ये, और हमारा ये एक है, ये 225 केल्विन का है और 450 इसका जो है VHF मॉडल दिया गया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है। आपको वीडियो में और आगे जानकारी देने से पहले आपसे बताता हूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ भी मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, तो आप इस ID पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको तेज़ बजाना है, यानी बहुत तेज़ हाइस बजानी है कंपटीशन लेवल का, तो आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, इनकी आवाज़ काफ़ी तेज है इन सब की अपेक्षा, ठीक। तो ये हमारे तेज बजाएंगे और ये अच्छी क्वालिटी निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वालिटी निकलती है ये। इसमें वैल्यू चेंज है केवल और कुछ नहीं है, बाकी दोनों ये सेम ही है, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा अच्छी निकल रही है। और ये दोनों क्या करेंगे, ये भी अगर आप ये आसानी से आपको कहीं पर ना मिल पाए तो आप इन्हें भी आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा बड़ा इनसे कम बज रहे हैं, इनमें आवाज़ थोड़ा कम है और क्वालिटी भी थोड़ा सा इसमें लोअर आ रही है, ठीक है। सो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।